तो दोस्तों, जुनूनियत को जिसकी आप लोग जानते हैं कि तोड़म तार टीआरपी देता हुआ नजर आया, ऐसे में सामने आ रही हैं बड़ी खबरें कि फैंस कहते हुए नजर आए कि आखिर कौन सा सीरियल में सबसे ज्यादा हंगामा मचा था, उदारिया में या फिर जुनूनियत में। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उदारिया अपने टाइम का सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट शो था, और बात करें जुनूनियत की तो वो इस टाइम का सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट शो है। कलर्स पे सबसे ज्यादा देखने जाने वाला सीरियल है उदारिया और जुनूनियत, इन दो शो की कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि आपस में फैंस ने क्यों भिड़ गए, कि आखिर क्यों करने लगे कि जुनूनियत और उदारिया को क्यों आपस में जज करने लगे कि यार ये वाला शो अच्छा है और ये वाला शो अच्छा है। देखा जाए तो दोनों ही शो हमारे हैं, क्योंकि एक में प्रियंका चाहर चौधरी हैं तो दूसरे में है अपने अंकित गुप्ता। बात समझने की है कि आखिर आप किस शो को सबसे ज़्यादा बताएंगे हमारे को ये अच्छा लगा, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए एक ट्रिक लगाते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड हाइलाइट्स में। चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मुझे जान लीजिए, मैं हूं आपका होस्ट शिद्दत सर। तो आइए बात करते हैं इस बारे में कि आखिर जुनूनियत और उदारिया सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कौन सा शो है। तो मैं आपको सच सच बताऊँ तो जुनूनियत तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो में से एक है, लेकिन यार उदारिया भी कम नहीं था उस टाइम पर। ये भी जुनूनियत की तरह ही लगता था उस टाइम पर, क्योंकि इसमें प्रियंका चाहर चौधरी ने इतना ज़्यादा कमाल दिखाया था अपना कि जुनूनियत ने भी क्या दिखाया होगा। क्योंकि उस टाइम पर प्रियंका चाहर चौधरी का नया नया शो था, ऊपर से जो इन्होंने अपनी एक्टिंग से धमाकेदार और बम्पर एंट्री करी है वो नाकाबिले तारीफ थी। तो ऐसे में फैंस कह रहे हैं कि आइए कॉम्पिटिशन कर लें, तो यार देखो मजाक मत करो, क्योंकि यार यहाँ पर मज़ा ही अलग शो देखने में कि जुनूनियत और उदारियाँ दोनों ही हमारे बेस्ट शो हैं, क्योंकि इसमें हमारे बेस्ट एक्टरों ने एक्टिंग करी है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन कराना डेट्स इम्पॉसिबल। अब आप बताओ आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट शो कौन सा है, उदारियाँ हैं या फिर है जुनूनियत? कमेंट करके ज़रूर बताएं, देखते हैं कौन जीतता है इस बार।